गांव विधानसभा के हमारे आदरणीय वर्तमान विधायक राजेश नागर जी, जिनका आप काफी देर से अपन इंतजार, आज के इस कार्यक्रम का भाई मुख्य अतिथि है वह। बुजुर्गों से तो आशीर्वाद मिला है उनको, विधायक जी को, पर 1 करोड़ की लागत से कुछ विकास कार्य, जो गली खरंजे हमारी नालियां उनका काम होना था, उसके लिए आज यहां पर एक आयोजन किया गया है। 4 लेन का काम जल्दी चालू होने वाला है, ओल्फी दवा से तिगांव रोड का काम भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है, बहुत सारे विकास कार्य जो और हैं ये भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। तिगांव के विधायक राजेश नागर के पैतृक गांव तिगांव में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तिगांव क्षेत्र में करोड़ों के चल रहे विकास कार्यों को लेकर इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में 36 बिरादरी के विधायक का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत हुआ। विधायक राजेश नागर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपके लिए कोई विधायक नहीं बल्कि आपका सेवक हूं, और इसी के नाते मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल विकास कार्यों में दिल खोलकर कार्य करते हैं, उसी का नतीजा है कि आज क्षेत्र में लगातार विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। क्षेत्र में कोरोना के बाद विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है नजारा विधायक के पैतृक गांव तिगांव का है, जहां पर करोड़ों के विकास कार्य किए जा रहे हैं। तिगांव के लोगों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जहां पर विधायक राजेश नागर का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक ने बताया कि अगर 2 साल कोरोना वायरस के नहीं निकलते तो आज क्षेत्र की सूरत कुछ और ही होती। आज मैं अपने पैतृक गांव तिगांव में आया हूं। यहां पर 1 करोड़ की लागत से कुछ विकास कार्य, जो गली खरंजे हमारी नालियां उनका काम होना था, उसके लिए आज यहां पर एक आयोजन किया गया है। और आज हमारे गांव की पूरी सरदारी, हमारी माताएं बहने, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी सभी यहां पर हैं। बहुत सारे विकास कार्य अभी होने हैं और कुछ हो भी चुके हैं, जो हमारी सड़कों का काम है, जैसे बजावली तिगांव और बल्लभगढ़ की रोड का काम, का 4 लेन का काम जल्दी चालू होने वाला है, ओल्फी दवा से तिगांव रोड का काम भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। इसी तरह से हमारे जो एक सीवर लाइन डली है उसमें जो रोड टूटी थी उसका भी 1 करोड़ की लागत से जो टेंडर हो चुका है और जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा। लाइटों का काम भी चारों तरफ चल रहा है और जल्दी पूरा हो जाएगा। इसी तरह से एक स्टेडियम जो हमारा बन रहा है उसके लिए भी 1.5 करोड़ की लागत से हमें वो फंड मिले हैं, वो भी जल्दी पूरा होने जा रहा है। बहुत सारे विकास कार्य जो और हैं ये भी जल्दी पूरे हो जाएंगे।